ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही YouTube चैनल और WhatsApp ऑडियो चैनल पर। यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं और आप सबको ये सारे ऑडियो फॉर्मेट में भी जाते हैं और वीडियो फॉर्मेट में आप YouTube में देख सकते हैं। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा हमें कैसे साधनों से और व्यक्तियों से हमारी अटैचमेंट ना हो, इसके बारे में सिखाते हैं। क्योंकि या तो हम मेन क्रिएटर से अटैच हो जाएँ या तो फिर हम उसके रचनाओं से अटैच हो जाएँ, जो कि आज तक हम करते आ रहे हैं और दुखी होते रहते हैं। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं। परमात्मा तो कहते हैं कि साधनों को सहारा बनाने के बजाय, अब साधन तो ये मोबाइल फ़ोन भी है जिसके द्वारा मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अगर इस मोबाइल फ़ोन को कुछ हो जाए और जिस कारण से मैं आज रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ और मेरा मूड ऑफ हो जाए, ये चीज़ नहीं सिखाई जाती ब्रह्म कुमारी में। ये चीज़ तो सिखाई जाती है कि कैसे ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी हम संतुष्ट रहें और किसी को ना कंप्लेन करें, ना ब्लेम करें, ना क्रिटिसाइज़ करें, ताकि हमारी मनोस्थिति ठीक रहे और हमारे अंदर कोई बीमारियाँ ना जागृत हो जाएँ, चाहे वो मानसिक बीमारियाँ हों, चाहे वो शारीरिक बीमारियाँ हों। तो परमात्मा चाहते हैं कि साधनों को सहारा बनाने के बजाय, अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पीछे एसी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, और ये एयर कंडीशन चला जाए अचानक से और यहाँ पसीने पसीने हो जाऊँ मैं, क्योंकि दिल्ली में हूँ मैं और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो कंप्लेंट्स तो बहुत हो सकती हैं, इरीटेशन भी हो सकती है और फिर अपनी किस्मत को भी कोस सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता ब्रह्म कुमारी में, इन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे उठना है ये सिखाया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव, कि मैं बस इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मोबाइल फ़ोन को या इस एयर कंडीशन को या ये लैपटॉप जो मेरे सामने पड़ा है उसको मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, निमित्त मात्र, मेरा इनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, यही मेरा जरिया नहीं है मुझे सुखी रखने का, सुख पाने का, खुशी रखने का। तो फिर क्या करें, ये हमारी स्टेज कैसे आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं हम इस वरदान में, कि कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। अब बीज कहने का मतलब परमात्मा, ये ज्ञान हमें परमात्मा से मिल रहा है ब्रह्म कुमारी इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, जो कि ये वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, कोर्सेज कराते हैं, और वो लोग जिनको हम समझाते हैं, कोर्सेज कराते हैं, अगर हमारे साथ ही अट्रैक्ट हो जाए और परमात्मा को पूछ लें कि भैया भाई जी आपके बिना तो हो नहीं सकता, आप नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप ना आए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो फिर परमात्मा से जुड़ने का जो 7 डेज कोर्स किया आपने, उसका मतलब ही क्या हुआ। यहाँ तो परमात्मा की पहचान मिली ना, ना कि मेरी पहचान मिली। हाँ, जरिए बने हैं, लेकिन मिलाना किससे, परमात्मा से। सागर से मिलना है कि नदी से मिलना है, बीच से मिलना है कि छोटे छोटे पत्तों से मिलना है। मैं तो एक पत्ता हूँ उस पेड़ का, लेकिन उस पेड़ का बीज हो गया परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं कि भैया ये नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं आएंगे तो हम सेंटर नहीं जाएंगे, ये नहीं आएंगे तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, ये मेडिटेशन नहीं कराएंगे तो हमारी होती नहीं मेडिटेशन, ऐसे भी होता है। तो परमात्मा कहते हैं कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। बीज अच्छा दिखता थोड़ा है, दिखता भी कहाँ है, मिट्टी के नीचे होता है। और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है, माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। कि झूठा सहारा क्या हो गया, मैं एक झूठा सहारा हो गया, परमात्मा सच्चा सहारा हो गया। झूठा क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए तो हूँ नहीं मैं, 24 घंटे तो मैं किसी को दे नहीं सकता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई ब्रह्म कुमार कुमारी दे सकता, ना कोई और आपका घर वाला दे सकता है। तो फिर परमात्मा को ही हम क्या कर सकते हैं, 24 घंटे उनको याद करें और वो हमें याद करें, हमें प्रेम दें, हमें सुख दें, शांति दें। लेकिन किसी इंसान से अगर ये इच्छाएं रख लें हम सारी, तो क्या आपकी पूर्ति होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं टाल टालियों पे मत बैठो, टूट जाती हैं, पत्तों पर लटके मत रहो, पत्ते झड़ जाते हैं, बीज से जुड़ो। फिर परमात्मा कहते हैं माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सारा ही सच्चा अनुभव होता है, आपको समझ आ गया होगा। इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, कि मेरा परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो सूक्ष्म में मेरे साथ है, उनकी ऊर्जा मेरे साथ है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये है स्पिरिचुअल, जो कि आपको रोंगटे खड़े कर देती है, वो शक्ति मेरे साथ में है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साक्षी दृष्टा मतलब कि सब किसी के पार्ट को, जिसने सहारा दिया नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं पूछा, किसी ने मेरे को रिस्पेक्ट दी नहीं दी, मुझे किसी से डिपेंडेंस नहीं है। जिसको मैंने इतना रिस्पेक्ट दिया, उसको बोला भाई जी आप इतने अच्छे हैं, बहन जी आप इतने अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को अगले दिन मुड़कर भी नहीं देखा, अब आपकी स्थिति कैसी रहेगी, या तो बीज या तो फिर वो पत्ता। तो अगर बीज से जुड़े रहेंगे तो आप
डगमग नहीं हुए, लेकिन पत्ते तो हिलते हैं ना, पत्ते तो थोड़ा सा भी अगर तूफान आ गया तो पत्ते तो झड़ भी सकते हैं। तो वही बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसने ब्रह्म कुमारी इसको ही छोड़ दिया, वो मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे। अरे ऐसे इंसान ने 30-35 साल से ब्रह्म कुमारी छोड़ दिया, अब तो भैया नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा। परमपिता परमात्मा बीज को भी आपने छोड़ दिया, परमात्मा से जुड़े उस पत्ते से ना जुड़े। फिर परमात्मा कहते हैं, माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है, इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, ये साधन हो गए, इनको सहारा नहीं बनाना है मुझे, कपड़े भी तो साधन है ना, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है, जो मैंने शर्ट पहनी है मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ तन ढकने के लिए है ये। लेकिन अगर इसको मैं अपनी पर्सनालिटी से कनेक्ट कर दूं तो मैं इसको सहारा बना दूंगा और उस कारण से मेरी स्थिति ऊंची नीची होगी। धन हुआ तो खरीद पाए, धन थोड़ा कम हो गया तो कम क्वालिटी का खरीद पाए, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सनैलिटी भी नीचे चलेगी। तो साधन चीज़ों से भी लगाव ना हो, ये हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, जो कि आप भी सीख सकते हैं और बहुत हल्के हो जाएंगे अभी सीखेंगे तो, बस सीखने की देरी है। इसके साथ ओम शांति।